भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना हर क्रिकेटर का सपना होता है। इसी सपने को लेकर वह जागता है और इसी के साथ सोता है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का मानना है कि आईपीएल ही वह मंच है जहां से आप शॉर्टकट तरीके से भारतीय टीम में प्रवेश कर सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे चाहर ने कहा कि मुझे अपने क्रिकेट करियर के शुरू में ही समझ में आ गया था कि सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और आईपीएल भारतीय टीम में जगह बनाने का आसान रास्ता है। आगरा निवासी चाहर ने राजस्थान की तरफ से रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में हैदराबाद के खिलाफ 10 रन देकर 8 विकेट लिए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया कि लाल गेंद से 125 किलोमीटर की रफ्तार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका सपना पूरा नहीं कर सकती। चाहर ने बताया कि जब मैंने तेजी हासिल करने के लिए अपने एक्शन को बदला तो मुझे अपनी राज्य की टीम में संघर्ष करना पड़ा। मुझे अचानक ही लगने लगा कि भारतीय टीम में जगह बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं रणजी के भरोसे रहता तो फिर मुझे बहुत सारे मैच खेलने होते, पूरे सत्र खेलना होता और दिलीप ट्रॉफी में खेलना होता। यह एक लंबा रास्ता था। दीपक ने कहा कि अगर आप आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो फिर आपको जल्द ही भारत की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है। मध्यम गति के इस गेंदबाज ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स से 2 सत्र खेलने के बाद भारतीय टीम में जगह बनाई। चाहर ने कहा कि जब मैंने रणजी ट्रॉफी में प्रवेश किया तो मैं 125 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करता था। मैं जानता था कि इस तेज़ी से मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं बने रह सकता हूँ। मुझे इसे 140 तक बढ़ाना होगा और इसमें स्विंग को जोड़ना होगा। अपनी तेज़ी बढ़ाने के प्रयास में मैं चोटिल भी रहा। चाहर ने कहा कि स्विंग लेती गेंद जो 135 से 137 किलोमीटर की रफ्तार से की गई हो वह किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल गेंद होती है। अगर विकेट सपाट है तो 150 किलोमीटर की गेंद भी आसानी से खेली जा सकती है। चाहर ने कहा कि उनका ध्यान अब सफ़ेद गेंद का अच्छा गेंदबाज बनने पर है और उन्हें लगता है कि लाल गेंद की तुलना में सफ़ेद गेंद को स्विंग करना अधिक मुश्किल है। चाहर के मुताबिक वनडे मैच सबसे मुश्किल प्रारूप है। उन्होंने कहा कि T20 में आपका ध्यान रन रोकने पर होता है, उसमें अगर आप विकेट नहीं लेते हो लेकिन अगर 4 ओवर में 24 ही रन देते हो तो यह अच्छा विश्लेषण होता है, जबकि टेस्ट मैचों में इसके उलट है, आपको हमलावर होना होता है, रन बने तो बने लेकिन आपको विकेट लेने होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़वायर। देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।